अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, भली करे आयव। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। द लैंड ऑफ इंडस हैज बेस्टोड अस विद वाटर, फूड, कल्चर एंड मेनी अदर प्रेशियस गिफ्ट्स। टुडे विद यू वी वांट टू सेलिब्रेट दोज एंड द होप इट्स आइडेंटिटी ऑफर्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर दोज टू कम। I, Roja, and my co-host Ajay welcome you all to this wonderful gathering. Today, we are blessed to be accompanied by insightful speakers from various walks of life. Some house norms. Please keep your phones on silent. Keeping COVID into consideration, please maintain safe distance. There would be hand sanitizers and masks, so please avail those. And we have wonderful volunteers who are wearing blue hats, Sindhuwa's hats. They'll be happy to support you through and throughout this event. Thank you very much. Curious, enthusiastic, a dreamer is what it takes to walk both journeys side by side. One of a housemaker and another one of a concerned member of the civil society. Our host today reflects those attributes beautifully. We would like to invite Ms. Anita Pinjani, chairperson of the Sindhuwas Foundation, to present the welcome address. Sindhu Darya, Zindagi Baksh, Sakafat wa Tehzeeb ka Gahwara hai. Aap uske kareeb jayein, ye aapko apna leta hai. Aap uske kareeb jayein, ye aapko apna leta hai. Chahe aap uski apaniyat ko nazar andaaz kar dein, uske israr samjhe bina. Magar ye feziyab hone ke फैज़याब करने का हुनर नहीं भूलता। ये है हमारा सिंधु दरिया। सिंधु दरिया से आज मुझे अपने लाड़काना याद आ रहा है। लाड़काने में बहुत दो बड़े दरिया थे, एक राइस किनाल, एक हाकड़ो दरिया। जो राइस किनाल होता था उसमें पानी की रवानी इतनी तेज़ होती थी कि उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं कर सकता था। जो हाकड़ा दरिया था उसमें हम सब स्विमिंग करते थे। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे, हम 9 भाई बहन 10 भाई बहन हैं, और हमारे साथ में जो घर था कामरेड जमालुद्दीन बुखारी का, उसके 9 बच्चे थे, वो भी 9 भाई बहन थे। हम सब साथ मिल बढ़ के बड़े हुए। तो हमारे अबा को बहुत ज़्यादा शौक़ होता था स्विमिंग का। गर्मियाँ जब आती थी हम सब हाकड़ो दरिया पे स्विमिंग करने बाबा में लेके जाते थे। वो जो छोटे छोटे आम थे जो चूस के खाते हैं, वो आमों के टोकरे और जैतून के टोकरे, वो सब हम लेके दरिया पे जाते थे और सारा दिन वहाँ पे गुजारते थे। वो जो पिकनिकें और वो जो दरिया की मौजें होती थी और उस दरिया में जो हम नहाते थे, वो हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। अब जब मैं लाड़काना जाती हूँ तो वहाँ लाड़काना में हाकड़ो दरिया तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। जो राइस कैनाल है वहाँ पे भैंसें आजकल नहाती हैं, या अड़ोस पड़ोस के घरों के गरीब से बच्चे नहाते हैं। ये है हाल। जब मैं सोचती हूँ पूरे कंट्री के बारे में तो मुझे याद कोई बलूचिस्तान का ख्याल आता है। आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे दिल जल जाता है। वहाँ के मज़दूरों को उसकी शनाख्त पे मारा जाता है और शहीद बोला जाता है। और फिर करीमा बलोच, जो आज़ाद सिर्फ आज़ादी से बोलना चाहती है, उसको भी नहीं छोड़ा जाता। और तो और कनाडा जैसे कंट्री में भी उसको वो महफूज नहीं है। अब जब जाते पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान, उसके नौजवानों को दहशतगर्द करके मारा जाता है। गिलगित और हुंजा वो तो गिनती में नहीं है। आज़ाद कश्मीर तो वैसे ही आज़ाद है हर तरह से। बाकी है हमारा पंजाब जो सबसे खुशहाल और हरा भरा माना जाता है। लेकिन आजकल वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स को उसके बोलने पे उसको गिरफ्तार किया जाता है। वहाँ के प्रोफेसर को, वहाँ के जर्नलिस्टों को सच बोलने और सच लिखने पे नौकरियों से निकाला जाता है। ये सब कब तक। लेकिन अभी आते सिंधुवास पे। हमारे जो सिंधुवास है वो स्टार्ट हुआ है 23rd 1916 से। उसका जो बुनियाद पड़ा वो 23rd जनवरी हमारे डैडी की बर्थ डेट डेथ एनिवर्सरी है। उसकी याद में हमने एक अपने घर में सीता विलास हाउस में कैंप, मेडिकल कैंप लगाया।
फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने 1917 में वहाँ पे हिल फेस्टिवल का आगाज़ किया, वो है 23 जनवरी से 31 जनवरी तक। 31 जनवरी जो है वो हमारे मदर की डेथ एनिवर्सरी है। तो उस 10 दिनों में हम बजाय कि कुछ और काम करें, ह्यूमन सर्विस के एक मैसेज देना चाहते थे कि वो उसमें हम बड़ों के नाम पे एक ह्यूमन सर्विस करें। तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में वर्कशॉप्स कराते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, न सिर्फ लाड़काना, वहाँ से बिंडी, घोघारो, वहाँ के आसपास जो भी गांव हैं वहाँ पे हम विजिट करते हैं। वहाँ के स्कूल्स में लाइब्रेरी, एक दो में स्कूल में लाइब्रेरी खोली है, और एक दो स्कूलों में हम वर्कशॉप तो हम हर साल करवाते हैं। और फिर आए 2019 में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हील फेस्टिवल का एक हिस्सा, जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई जो आज करवा रहे। पहली कॉन्फ्रेंस वो हमने लाड़काने में करवाई थी। उसका मकसद ये था कि हम सिर्फ लाड़काना नहीं, पूरे जो भी हमारी इंडस बेल्ट पे जो भी है कल्चरल, जो भी पीपल है, उन सबको इकट्ठा करें और सारे सब मिल बैठ के अपने मसाइल को हल करें। ये आज उनका दूसरा है। हमने कोविड में एक छोटे कुबो सईद खान बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, एक छोटा सा गांव है, हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो लोगों ने हमारे बहुत सारे फ़ोने आई कि हमारी बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, या एक विडोज़ है उनको फिर से आप उनकी खाना डिस्ट्रीब्यूट के लिए दे। तो फिर हमने वो जो माइक्रो फाइनेंस का प्रोग्राम शुरू किया वहाँ की। मैंने सिर्फ हमने ये शर्त रखी कि वहाँ की जो औरतें कमाएंगी, जो औरतें घर अपने घर में बिजनेस करें या बाहर करें, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस हम करेंगे सिर्फ औरतों को करेंगे। उस हिसाब से हमने एक वो प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत उसको अभी 9 महीने हो गए। हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमने 6 महीने पे उनको कर्ज़ा दिया था, वो सारा हमें वापस आ गया है। उन्होंने अपना सारे वीडियो दिखाए कि उसने कभी मतलब सारा, किसी ने घर में दुकान खोली है, किसी ने कुछ इस तरीके से। दूसरा काम किया वहाँ पे ही, छोटे जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती हैं, बड़ी एज की 12 की 16 की, उनके बच्चों को स्कूल में हमने एजुकेशन देना शुरू करवा दिया। तो वहाँ की टीचर्स को बोला कि जो वॉलंटियर अपना घर दे दे ओताक की तरह, या तो फिर उसमें हमने स्कूल चलाएं, तो वो इसमें हमने स्कूल चलाने शुरू किए। ये थोड़े से सोशल वर्क के थोड़े बहुत जो हमसे हो सकते हैं वो शुरू किए हैं। बाकी जो आज सबसे बड़ी खुशी के दिन मेरे लिए आज है कि हम कराची में पहली हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मौजूद मेहमान बैठे हैं वो शायद हमें जानते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल पे, हमारी इनविटेशन पे हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया और हमारी दावत को कबूल किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और दिल की गहराइयों से, क्योंकि ये इस वजह से हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें इनकरेजमेंट मिलती है कि हम आगे कुछ कर सकेंगे और हम सब साथ में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब मौजूद मेहमानों का, आने वालों का, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कहते हैं कि मायूसी और उम्मीद हम कदम होती है, तो इरादा नेक है इंशाल्लाह। When I used to visit Pakistan during vacations, I was often asked, "What new way of thinking the world system have you learnt, Ajay?" My response often referred to theories, but the question demanded much more, a fresh perspective. The one who asked this question is our co-host and president of Sindhuwas Foundation, Jagdish Ahuja. A thinker, a writer, and vice president of Sindh United Party, who better than him to help us embark on this journey of re-envisioning our identity beyond borders? Mr. Ahuja, please join us in introducing Indus Integration. Thank you. Sabha ka pehli ta jekke mehman aaya hain Sindhi Urdu ba mix kandam. सिंध की गादी में आयु तो मैं शुरुआत इन कर सिंधी का तो क्या तो उम्मीद तो क्या तो सभी थोड़ी घड़ी तो समझा तो वरी उर्दू से भी इंदम तो जेके भी खास मेहमान असंजा ऑनरेबल गेस्ट मिस अनीस हारून, बैरिस्टर सलादीन साहब, डॉक्टर ज़िया शाह साहब, मिस्टर नूर अकबर साहब, डॉक्टर वहाब शेख साहब, ये असा हिंसर तीन पहतल जो है ऑनरेबल गेस्ट इन स्पीकर्स इन उन्हें जो मैं तय दिल से शुक्रगुजार आया। अ डॉक्टर केसर बेंगाली साहब भी अचना
शुआब वस्तु साहब अचना है असा सभी जहाँ दिल से शुक्र गुजार आयो कोई रह जी तो वो अच्छा ठीक हलो हाँ उनका सवाल बया जे भी हाजरीन आया हैं मेहमान आया हैं अना असा उन सभी का भी शुक्र गुजार आयो जो हैदराबाद का भी खास तौर पर सीट जी इतने आया ए बो डॉक्टर अयूब शेख जै अस ही सजो जो है फैसिलिटी अरेंज कर दिनी पाने अस डॉक्टर विजय अयूब अस बिन मुखालिफ पार्टी में रहा आयो पर अज उन पार्टी जहाँ भी संगम थियन था पाया कल जी अस सख्त मुखालिफ हुआसे अज जो इजलास इतने थी रो अज सिंध एक्शन कमेटी जो इजलास वरी जामछोरे में थी रो जिते सिंध जो समूर प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट ए पॉलिटिकल फोर्सिस गजी कर सिंध की निजात लाए पैंजी लाहे हिकमत मली जोड़े रहा अज अस खास तौर से सिंधुवास फाउंडेशन के तरफा जो गड थे उन जो खास मकसद आकड़ी नई इंडस फिलोसॉफी वह तहजे आडो इंट्रोड्यूस कराण दोस्तों अस ही जो कोर्स कराया है इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स आ जैमें कलमती जड़ा तारीखदान जहाँ माहिर भी वेठा हैं अस लिमिटेड ही इन कर रखे तो अस संजीदा डिबेट था क्यों जदें वी सदी में असो जो नस्ल आ हमारा जो नस्ल है वो दो सदियों का नस्ल है बीसवीं सदी में हमने जन्म भी लिया और शौर भी पाया लेकिन बीसवीं सदी की आखिरी दिहाई में दुनिया के अंदर एक ऐसा वाक्या हो गया कि जैसे कहते हैं कि पैरों तले ज़मीन निकल जाए हमने शौर पाया था कि सबसे ज़्यादा इंसान दोस्त जो नज़रिया है वो सोशलिज्म है इंसान दोस्ती का नज़रिया उसका अलमबरदार सोवियत यूनियन है सोशलिस्ट रियासतें हैं हमने जब सियासी शऊर पाया तो सिंध में कामरेड हैदरबद जतोई साईं जी एम सैद को पाया सरहद में हमने खान गफार खान को पाया हमने बलोचिस्तान में समद अचकज़ई अताउला मेंगल और दूसरे जो लोग थे उन्हों की बगावत देखी जदोजहद देखी और एक तजादात भी देखे हमने हाकिम कौम और महकूम कौमें हाकिम तबकात और महकूम तबकात तो कौमी जदोजहद तबकाती जदोजहद इस धारा में हमने पूरी जवानी दी और हमने आइडियल दिया कि जो सबसे ज़्यादा इंसान दोस्त निज़ाम है वो सोशलिज्म है कम्युनिज्म है तो हमारी जदोजहद का मरकज़ रहा है कौमी आज़ादी और तबकाती जुल्म से निजात लेकिन नवे की दिहाई में क्या हुआ वो सारे जो आदर्श थे वो टूटते बिखरते चले गए स्वेत यूनियन एक स्वेत एम्पायर की तरह टूट के ख़त्म हो गई कम्युनिस्ट ब्लॉक ख़त्म हो गया जिस दुनिया में हमने शऊर पाया था वो पूरी दुनिया हमारी आँखों के सामने मुनहदम होके चली गई तो जैसे एक बिल्डिंग गिर जाती है और ज़ीरो ग्राउंड हो जाता है तब सवाल ये पैदा हुआ था हम जो भी सोचने वाले जहन थे हम जीएसएन में रहे हैं डॉक्टर ज़िया शाह साहब भी जीएसएन में रहे हैं हमने ये बात थी हमारी कि अब क्या होने वाला है क्या जो दावा था कि कैपिटलिज्म की आखिरी फतह हो गई ये तो हो नहीं सकता कि एक इस्तेहसाली निज़ाम हो एक एक्सप्लाइटेटिव सिस्टम हो और वो परमानेंट कायम रहे उसके खिलाफ कोई स्ट्रगल ही ना हो तो हमारा सोच का फिक्र का सफ़र शुरू हुआ कि इसके आगे और नया फिक्री निज़ाम कौन लाएगा क्या वो पिछले निज़ामों की तरह ही मगरिब से आएगा या मशरिक से आएगा और ये हमें पता था तारीख के शागिर्द होने के नाते कि जब भी कोई एक मुस्तकम दौर ख़त्म होता है तो एक अनारकी का दौर शुरू होता है जो 20 से 30 साल चलता है उसके बाद फिर एक नए दौर का आगाज़ होता है पहले हमने
जैसे दो दुनियाएं थी, कोल्ड वार थी, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो हमने अपने जो जहन थे वो भी महदूद कर लिए थे। या तो हम कैपिटलिज्म को पढ़ते थे या कम्युनिज्म को पढ़ते थे, लेकिन 90 की दिहाई में हमने अपने जहन के सारे दरीचे खोल दिए कि ये क्या हुआ कि कम्युनिज्म का फाल हो गया, क्या हुआ कि कैपिटलिज्म की फतह हो गई। तो इन 10-20 सालों के दरमियान हमने जो नतायज अखज किए हैं वो मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम हमेशा ये देखते हैं मटेरियलिस्ट फिलासफी के तहत कि जो कुछ भी करता है इंसान करता है, या पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, इकोनॉमिक लीडर्स करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, हम उसमें दो फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो प्रैग्मेटिस्ट मटेरियलिज्म है उसमें हम दोष इंसान को देते हैं। हमारे जितने भी कम्युनिस्ट दोस्त थे वो सोवियत यूनियन के लीडर गोर्बाचोफ को कहने लगे कि उसकी वजह से सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। ये हो ही नहीं सकता है। एक दौर जब जन्म लेता है तो उसका जवाल भी लाजमी आता है। तो जब हम टाइम फैक्टर को और इर्तका के कानून कवानीन को नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर एक दूसरे पर उंगलियाँ उठाते हैं। दरअसल ये था कि एक दौर था जो मगरिब का दौर था, जो 20वीं सदी में मशरक में कम्युनिस्ट तहरीकों का दौर था, वो दौर ख़त्म हो गया। एक नए दौर की इब्तिदा होनी थी। जैसे कानून है, जैसे मौसमें हैं, चार मौसमें हैं, दिन रात है, सांझी है, ऐसे ही कोई भी फ़र्द हो, कौम हो, खिता हो, नजरिया हो, फिक्र हो, उस पे उरूज और जवाल के पीरियड आते हैं। तब ये सवाल पैदा हुआ कि हमारी जो सिंधु तहजीब है उस पे उरूज और जवाल के कितने पीरियड आए हैं। तब हमने ये मुतालिया किया कि सिर्फ उरूज और जवाल के पीरियड कौमों पे नहीं आते, फ़र्दों पे नहीं आते, तहजीबों पे नहीं आते, सियासी रियासतों पे नहीं आते, सब पे आते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? एक वाज़े फ़र्क मैंने देखा, जब ग्रीक एम्पायर उभरती है तो टूटने के बाद वो दोबारा बहाल नहीं होती है। कोई भी पॉलिटिकल एम्पायर जब एक बार टूटती है तो दोबारा जन्म नहीं लेती है। तो इससे जाहिर हो गया ये जो स्वेत एम्पायर टूटी है तो वो दोबारा नहीं उभरेगी। लेकिन एक दूसरी बात मैंने देखी, हम हमेशा कौमी रियासतें या मल्टीनेशनल रियासतों में तकसीम करते हैं, या छोटे छोटे कबाइल या एथनिक में करते हैं, या रिलीजियस डिवाइड में देखते हैं। लेकिन तारीख के सफ़र में मैंने देखा कि इंसान की कदीम तरीन जो शनाख्त है वो न तो कबायली है, न तो कौमी है, न तो रियासती है। कदीम तरीन इंसान की जो शनाख्त है वो तहजीबी शनाख्त है। वो तहजीबी शनाख्त जो हम खो चुके हैं, वो कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, लेकिन ये सब के सब जो है, कोई कश्मीरी है, कोई तिब्बती है, लेकिन ये सब के सब, उनका तहजीबी धारा कहाँ से आता है? क्या एक है या उनका तहजीबी धारा भी अलग है? तो ऐसे ही मैंने सबसे पहले इस जिसको आज आप हम कह रहे हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो हिस्ट्री में तो इंडिया नाम का कोई नाम ही नहीं था, हिंदुस्तान भी कोई नहीं था, हिंदू लफ्ज भी कोई नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो कदीम तरीन बुक्स हैं ऋग्वेदा, चार वेद, उनमें आपको हिंदू लफ्ज नहीं मिलेगा, उसमें आपको गंगा का जिक्र नहीं मिलेगा, उसमें आपको जमुना का जिक्र नहीं मिलेगा, उसमें आपको जिक्र मिलता है एक सिंधु का, दूसरा सरस्वती का, और तीसरा पंजाब की पांच नदियों का। लेकिन उन पांचों ही नदियों के नाम जो आज हैं, रावी, चनाब, जहलम, ब्यास, वो नाम नहीं है। वो पांचों नदियों के नाम तब्दील होके रह गए। और छठी जो सबसे बड़ी नदी थी, सरस्वती नदी, वो तारीख के धारे में आज तो, कल तो हम कहते हैं कि डैम बन गया, सिंधु सूख रहा है, ख़त्म हो रहा है। सरस्वती पे कौन से डैम बने थे? सरस्वती को तो इंसानों ने नहीं सुखाया था। सरस्वती गुम हो गई, लास्ट रिवर है। तो कुदरत के कवानीन के तहत भी कई खितों पे उरूज जवाल आता है। यहाँ
सरस्वती वो नदी थी जिसने सिंधु तहजीब की आबियारी की। सारे वेद सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे पे पैदा जन्म लेने वाले शहरों ने तख्लीक किए हैं। ये वेद हिंदू धर्म के नहीं हैं, ये वेद जो हैं सिंधुवासी तहजीब के लोगों के वेद की तख्लीक है। जब हम तहजीबी धारा से कट जाते हैं और मजहबी धारा में आ जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, तो हम फख्र भी सिर्फ इस बात पे करते हैं जो सिंध की ज्योग्राफी में आता है, हम सिंधी उस पर फख्र करता है। जो पंजाब की ज्योग्राफिकल धारा में आता है वो उस पर फख्र करता है। लेकिन ये वेद किसने जन्म दिए थे? सिंधु दरिया ने जन्म दिए हैं। तब हमने देखा कि हमारा जो तहजीबी खिता है एक शनाख्त है जो हम खो चुके हैं कि हम तहजीबी तौर पे सिंध पूरे पाकिस्तान में रहने वाले और उसके बियॉन्ड जितने भी लोग हैं हम तहजीबी तौर पे सिंधु वासी हैं। हमारी जो इंडस फिलासफी जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं उसके दो ऐसे नुक्ते हैं जो बिल्कुल ही नए हैं। बाकी तो हमने कम्युनिज्म से भी उधार लिए हैं, कैपिटलिज्म से जैसे डेमोक्रेसी को उधार लिया है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक है तहजीबी शनाख्त कि आप सिर्फ एथनिक लसानी सिंधी मुहाजिर पंजाबी पठान इन महदूद दायरों से निकल के अपनी तहजीबी शनाख्त करो, उसको वापस हासिल करो। दूसरा है कि ये जो जेंडर इनइक्वलिटी हुई है उसकी भी एक तारीख है जो सिंधु तहजीब में मिलती है। पूरी इंसानी इर्तका में पहला समाज था जिसे हम कहते हैं ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी। जब जराए पैदावार एक थे, शिकार का पीरियड था, तो औरत मर्द कबाइल कोई तकसीम नहीं थी, सब मिलके शिकार करते थे, मिलके खाते थे। जब खेती बाड़ी का वजूद आया तो तख्लीक की पहली देवी करार दी गई औरत, तब माँ का तस्वर आया, तब भगवान खुदा नहीं था, तब भगवान औरत थी, अंगलाज माता थी, शेरा वाली थी, ये सब थे, कोई भी भगवान मेल गार्ड नहीं था, सब की सब औरत को हुक्मरान थी। तो दूसरा आया मदरी समाज, क्योंकि औरत ने ही तख्लीक किया था उसको जरिए एग्रीकल्चर समाज को। उसके बाद जैसे ही हल की इजाद हुई है को वो हेवी था, उसकी वजह से पदरी समाज ने जन्म लिया। मदरी समाज की उम्र रही है 20,000 साल। ये जो हम कहते हैं कि हर औरत की है, मर्द की कामयाबी के पीछे औरत है, तो ये सिंधु तहजीब में एक तस्वर है शिवा शक्ति का। जब हम हिंदू मुस्लिम सिंधी पंजाबी सिंधी बलोच इन तफरीकों से निकलते हैं, पूरे खित्ते को एक होकर देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि आज सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान ने ओन कर ली हैं, हिंदू मज़हब ने ओन कर ली हैं, वो उनकी नहीं हैं, वो तो सिंधु तहजीब की हैं। शिवा सिंधु तहजीब का बेटा है, सेवन उसके जन्म घर है। जो शक्ति थी, जो हंगलाज माता है, वो आज बलूचिस्तान में है। तो ये शिवा जो था पहला मेल गार्ड था, और हंगलाज जो थी लास्ट फीमेल क्वीन ऑफ द इंडस वैली थी। लेकिन हम उसे हिंदू पस मंजर में चले जाते हैं, उनको ओन ही नहीं करते हैं। तो जब हम अपनी तहजीबी शनाख्त को उजागर कर देंगे, ओन कर लेंगे कि हम सिंधी हों, मुहाजिर हों, पंजाबी हों, पठान हों, कोई भी हो, तिब्बत से लेके जहाँ से दरियाए सिंध शुरू होता है, वहाँ से लेके जहाँ से दरियाए सिंध ख़त्म होता है, वहाँ तक सारा का सारा सिंधु वास है, जिसके तारीख में ऐसे नहीं है कि ये नया नाम मैंने आसमान से तख्लीक किया है। इसका पहले नाम था सपत सिंधु देश, सात दरियाओं का देश, पांच पंजाब की नदियाँ, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। उसके बाद उस पर भी उरूज जवाल के पीरियड आए, फिर महाभारत के ज़माने में इस पूरे खित्ते को, ये खित्ता दो हिस्सों में बट गया, पूरा जो हिंदुस्तान था उसका असल नाम था सिंधुस्तान। हिंदू कोई लफ्ज़ नहीं है, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। तो ये पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये सिंधु खंड है, सिंधु सबकॉन्टिनेंट है। हम वो आइडेंटिटी भी लॉस कर चुके हैं जो बिगाड़ इन्वेडर्स ने किया,
उसके पहले सिंधु को क्रॉस करते हुए उन्होंने कहा ये हिंदू है। फिर ब्रिटिशर्स ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने जब सिकंदर आए तो उन्होंने हिंदू को कर दिया इंडू, इंडू से हो गया इंडिया। व्हाट डज इंडिया मीन? इंडिया मीन्स लैंड ऑफ इंडस। व्हाट डज इंडिया मीन? पीपल ऑफ इंडस। बेसिकली पूरा ये सब कॉन्टिनेंट उसकी शनाख्त एक ही है कि वो सिंधु स्थान है, वो सिंधु देश है। अभी मैं देश पे नहीं आ रहा, क्योंकि देश से फिर बात आ जाती है जीएम सैयद पे, फिर उस पे आती है कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, फिर वो जीएसक्यू वाले उठ के खड़े हो जाएंगे ये क्या बातें हो रही है, तो मैं उस पे नहीं आ रहा। लेकिन सिंधु देश लफ्ज साईं जीएम सैयद ने भी कहाँ से लिया? आप पूरी तारीख पढ़ लें, उसमें भी है। और दिलचस्प बात जो मैंने सन में भी इस मरतबा साईं की सालगिरह पे कही थी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था, वेलकम स्पीच में साईं जीएम सैयद ने कहा था कि आज मैं आप सबको, सारे हिंदुस्तान से आए हुए मुदब्बरान को सिंधु देश की धरती पे वेलकम करता हूँ। तो उस वक्त वो सिंधु देश तो नहीं था जो अभी जीएम सैयद ने 73 में दिया है। तो ये था कि वो पूरा देश जो दरियाए सिंध आबाद करता है वो सिंधु देश है। शेख अयाज ने जो तराना गाया था जिसको तराने की हैसियत मिली, तो सिंधु देश तो थे पे जो थी सुनवाया, उसमें असल लफ्ज देश नहीं था, देश है। फिर हमने जीएस वालों ने ही उसको सिंधु देश का तराना बना दिया। तो असल जो लफ्ज था ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहा है, लेकिन असल जो देश रहा है वो सारा है। मैंने जो उसमें तब्दीली की है, पूरी तारीख में ये देखा है कि जब बुद्ध एज था, अब आते तहजीबी तौर पे तो वो तिब्बत से सिंध तक पूरा सिंधुवास है, लेकिन पॉलिटिकली क्या वो एक रियासत रहे हैं? ये अहम बात है। सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल रियासत के तौर पे हम सिंध को देख रहे हैं वो है बुद्ध ज़माने में, जब राय साहसी थे। तो राय साहसी के ज़माने में कश्मीर से लद्दाख से लेके ठट्टा तक पूरा मकरान बेल्ट सारे का सारा, इवन गंधारा की तहजीब भी सिंधु सिविलाइजेशन की सिस्टर सिविलाइजेशन थी। तो ये सारा खित्ता जो था पॉलिटिकल एक एम्पायर थी, इंडस एम्पायर थी, एंशंट इंडस एम्पायर थी, जिसमें बेहतरीन बुक इसने लिखी है जो अभी जिसने सफ़र किया है, एम्पायर्स ऑफ इंडस। तो उसके बाद फिर उस पर भी उरूज जवाल के पीरियड आए। फिर हम देखते हैं अरब कंकेस्ट के दौर पे, ये तो आप सबको पता है 712 में जब अरब कंकेस्ट होती है, तो उस वक्त भी वादी सिंध सिर्फ दो रियासतों में तकसीम थी, कोई बलूचिस्तान नहीं था, कोई पंजाब नहीं था, कोई फ्रंटियर नहीं था। कलर कहार की एक हद थी, कलर कहार से इस तरफ सिंध थी, दूसरी तरफ कश्मीर था, और गंगा जमुना के बेल्ट में आर्यावर्त था। तो दो तहजीबों का अलग रहा है, गंगा जमुना की तहजीब का और सिंधु सरस्वती तहजीब का। रियासती जो जवाल हुआ है, एक रियासत एक इंडस एम्पायर पहले दो रियासतों में टूटती है, सिंध और कश्मीर में। आपको कम लोगों को पता होगा कि जब अरब कंकेस्ट हुई है और राजा दायर की शिकस्त हुई है, वो शहीद हुए हैं, तो उसके बाद उसके भाई ने कलर कहार के अंदर एग्जाइल्ड सिंध गवर्नमेंट कायम की है, वो कैपिटल रहा है सिंध की एग्जाइल्ड गवर्नमेंट का। उसके बाद तकसीम दर तकसीम होती चली गई है, फिर ब्रिटिशर आते हैं जो सारी तकसीम को ख़त्म करके एक ब्रिटिश इंडिया कायम कर देते हैं, फिर दो रियासतों की तकसीम होती है, फिर 71 में दो से हम तीन रियासतें हो जाते हैं। तो मैंने एक इंग्लिश में आर्टिकल लिखा था कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली। तो सियासी ज्योग्राफिया कहाँ का भी हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जो एक दिहाई एक सदी में होता है वो दूसरी सदी में भी नहीं मिलेगा, बल्कि एवरी क्वार्टर सेंचुरी में कोई ना कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आ जाता है जिससे पॉलिटिकल ज्योग्राफी चेंज हो जाती है। हिंदुस्तान एक था पहले आधीवीं सदी में, 47 में एक से दो हो गया,
दूसरी में तीन हो गए, तो अभी क्या एजेंडा चल रहा है? पॉलिटिकल एजेंडा अलग बात है, मैं सिर्फ तहजीब के दायरे में देख रहा हूँ कि पहले जो मगरबी तहजीबों का दौर था वो 16वीं सदी से शुरू हुआ रेनेसिया से, अभी जो दौर है ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का है, ईस्टर्न एम्पायर्स के उभरने का है। पहले एम्पायर थी स्वेत एम्पायर जो हमने देखी, अभी आपकी आंखों के सामने अमेरिकन एम्पायर कोलैप्स करने जा रही है। ये जो दिहाई है, ये दिहाई सबसे अहम दिहाई है जिसमें बहुत बढ़िया बड़ी तब्दीलियां आनी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिक्री धारे सारे के सारे तब्दील होने हैं। सिंधुवास की फिलासफी मुझे मिली तो मैं 2000 में थी, लेकिन 20 साल के बाद इतना सब्र करने के बाद आज मैं क्यों पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो फिलासफी का सफ़र होता है वो सालों पे नहीं, दिहाइयों पे नहीं, सदियों पे महित होता है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये पूरी जो है कम से कम इस आधवी सदी है, इस जो पहली सदी का फर्स्ट हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, इसमें और ख़ास तौर पे इस दिहाई में होना है कि ये जो पूरा खित्ता है, पूरा जो खित्ता है सिंधु कॉन्टिनेंट का एक ज्योग्राफिकल चेंजेस में तब्दील हो रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस के साथ एक नया तहजीबी धारा जन्म लेगा। और ये धारा की जो इब्तदा करनी है वो इब्तदा आप हम सब, चाहे कोई सिंधी हो, कहीं पंजाबी हो, मुहाजिर हो, बलोच हो, पठान हो, ये सिंधु तहजीब के लोगों के जिम्मे वक्त ने डाला है जिम्मा कि हम एक नया तहजीबी शनाख्त का धारा दें, ऐसी नई इंडस फिलासफी दें जो आगे चल के नई ह्यूमनिस्ट फिलासफी को जन्म दे। मेरी जो तहजीबी फिलासफी है उसके जो असास हैं, उसके चार असास हैं। सिंधुवास की जो फिक्री असास है, इंसान दोस्ती, अमन आलम, आज़ादी अक्वाम और ममता राज। ममता राज आज जो हमारा सेशन है इंडस फिलासफी ऑन सिंधुवास है। ममता राज वो फिलासफी है जो मैंने इंडस की पूरी तारीख से निकाली है कि पहले कलेक्टिव सिस्टम था, फिर क्लास सिस्टम आया, आगे चल के फिर क्लासलेस सोसाइटी होनी है। वो मार्क्सिज्म वाले तरीके से तो नहीं आएगी, लेकिन मार्क्स का जो दावा था कि कैपिटलिज्म का फाल होगा और उसकी जगह पे एक इगलटेरियन सोसाइटी जन्म लेगी, वो ज़रूर लेगी, इवोल्यूशन के रास्ते पे लेगी, और लेकिन उसकी जो फिक्री बुनियाद होगी वो ममता राज पे होगी। उस पर मैं अलग से तफसील से बात करूँगा, लेकिन अलग सेशन में। ये हमारा सेशन है कि हम तहजीबी शनाख्त को उजागर करें। तो उसकी जो फिक्री असास हमने रखी है एक ह्यूमनिज्म पे, मदर काइंडनेस, वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ नेशंस। और उसकी जो सिंधुवास की मुआशी असास है, ये एक बहुत बड़ी बहस थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और कलेक्टिव लेबर, कलेक्टिव लेबर की शक्ल में प्राइवेट जो मींस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होती है उसकी ओनरशिप प्राइवेट हो जाती है। इस कंट्राडिक्शन की वजह से मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म का फॉल नागुजीर है। तो मेरी नज़र में स्वेत एम्पायर को तो कभी भी नहीं उभरना, रशियन तहजीब, वोल्गा की तहजीब, डेन्यूब की तहजीब उभरेगी, जैसे चाइनीज एम्पायर पीली नदी की तहजीब उभर चुकी है। लेकिन कम्युनिज्म की जो रूह है इंसान दोस्ती वाली, मसावात इंसानी कायम करने वाली, वो न कभी ख़त्म हुई है न कभी ख़त्म होगी। तो हमें अक्वाम आलम हर एक उसूल देना है कि हर फर्द को, स्वेत कम्युनिज्म की बुराई क्या थी, क्यों फाल हुआ, इंसान को इजहार की आज़ादी नहीं थी। इंसान जन्म लेता है और बोलता है, उसे बोलने की आज़ादी, उसे छीनना
उससे जीने का हक छीनने के बराबर है। तो एक ऐसा इंसान दोस्त निज़ाम जिसमें हर फर्द को हर कौम को आज़ादी इज्जत और वक़ार से जीने का हक हो, ऐसा समाज कायम करना, उसके लिए जिद्दोजहद कायम करना, उस आदर्शवादी तहजीबी जिद्दोजहद को और सियासी जिद्दोजहद को जन्म देना, ये हमारी फिक्री असास है सिंधुवास की। उसके साथ हमारा सिंधुवास का सियासी एजेंडा, तीन सियासी एजेंडे हैं उसके, एक शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि हम जितने भी डिवाइड पैदा हो चुके हैं, एथनिक एंड रिलीजियस डिवाइड, उनको आप कैसे ख़त्म करेंगे। कोई ना कोई बुनियाद होती है। हमने हिंदुस्तान को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया, किस बुनियाद पे? वो आइडेंटिटी दी कि हिंदू और मुस्लिम दो नेशंस हैं। वो थ्योरी तो 71 में ख़त्म हो गई जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। तो अभी ये वो बुनियाद नहीं है जिस पे आप सब कौमों को मुत्तहिद कर सको। फिर हम आते हैं एथनीसिटी पे। आज का पाकिस्तान कौमी तादाद से भरा है। हमारी पहले दिन से जो दावा है कि बाकी जो पाकिस्तान बचा है उसमें पंजाब हाकिम कौम है और सिंधी बलोच और पख्तून मजलूम कौमें हैं। फिर सिंध के अंदर आते हैं तो रूरल अर्बन का डिवाइड है, सिंधी मुआजिर डिवाइड है। तो इतने सारे डिवाइड्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो साथ मिल बैठने के लिए भी आपको एक कामन बांड चाहिए। तो वो कामन बांड हम दे रहे हैं कि हम सब लोग सिंधुवासी हैं, हम सब की तहजीब एक है, हम सब की शाहरग भी एक है। सिंधु दरिया हम सब की शाहरग है। उस इस कामन शनाख्त को देख के अगर हम साथ बैठेंगे तो मिलके अपने तजादात को पीसफुल डायलॉग के ज़रिए हल कर सकते हैं। इसी सोच के तहत हमने पहली कॉन्फ्रेंस लाड़काना में की थी, दूसरी का इनेकाद हमने पंजाब में किया था कि सबसे ज़्यादा तजाद है सिंध और पंजाब के दरमियान। मैंने तारीख में ये चीज़ भी देखी है, मेरी इस बात पे शायद मेरे ही दोस्त नाराज़ हो जाएं कि क्योंकि हमारे सिंधी नेशनलिस्टों का आप शुरू दिन से झगड़ा ही पंजाब से है, लेकिन तारीख में मैंने देखा है कि जब भी सिंध और पंजाब का डिवाइड हुआ है, टकराव हुआ है, तो कोई ना कोई बाहर से आकर इन्वेडर ने सिंध को भी फतेह कर लिया है, पंजाब को भी फतेह कर लिया है, उसके बाद ही वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। तो अगर हम जैसे आजकल खतरा सर पे है भाई, पहले तो हम अमेरिका बरतानिया के गुलाम थे, फिर अमेरिका के गुलाम बन गए, अभी चाइनीज़ एम्पायर के गुलाम बनते जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान उनसे बचने के लिए कभी रशिया की तरफ भाग रहे हैं, कभी चाइना की तरफ भाग रहे हैं। जिस रशिया को तोड़ने के लिए उन्होंने अफगान जिहाद की, अब उस रशिया के पास जाते हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। ये कैसी सियासत है? क्या वो उनको बचाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। तो सीधी बात है कि और सबसे बड़ा खतरा है इस पाकिस्तान को किससे हमें बताया जाता है? इंडियन एम्पायर से। इंडिया और रशिया, चाइनीज एम्पायर उभर चुकी है। पहले एम्पायर्स कौन सी थी? मगरिब की एम्पायर्स थी, उससे पीछे तारीख में जाएं मशरक की एम्पायर्स है। आज दोबारा मशरक की एम्पायर्स राइज कर रही हैं, जिसमें चाइनीज एम्पायर राइज कर चुकी है, इंडियन एम्पायर और रशियन एम्पायर्स हमारी आंखों के सामने राइज हो रही हैं और हम कहाँ खड़े हैं? हम अमेरिका से बचने के लिए भागे जा रहे हैं, सऊदी अरब पे डिपेंड करते थे, सऊदी अरब से फिर स्विच कर रहे हैं चीन की ईरान की तरफ, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान कहीं भी खड़ा नहीं है। तो सवाल पाकिस्तान का नहीं है। अगर आप कहेंगे नेशनलिस्ट नुक्ते निगाह से मैं सोचूं, तो ठीक है, पाकिस्तान तो टूट रहा है, पंजाब की हक में से हमारी जान छूटी, ख़त्म जाए बाढ़ में। नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सिंधियों का, बलोचों का, पख्तूनों का, तीनों का ये है कि भाई ठीक है, पंजाब पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है? उसने तो दरियाए सिंध पर भी कब्जा कर लिया है,
हमारे जीने के रास्ते पे उन्होंने बंद कर दिए। हमारे जो पोर्ट्स पे आजकल स्ट्रगल चलती है, कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट, ये कहते हैं आइलैंड हमने बनाए, हमारा हमारी मिल्कियत है। भाई किसके तहत कह रहे हैं? क्योंकि पोर्ट कासिम भुट्टो ने उसको दिया था। भाई ये पोर्ट कासिम कराची पोर्ट भी तो सिंध के हैं, वो कौन से पंजाब के हैं? अब फेडरल के नाम पे पंजाब उस पर काबिज बैठा है पाकिस्तान बनने से। तो तब हम कहते हैं कि ठीक है, नहीं चाहिए हमें इस्लामाबाद की हुकूमत, नहीं चाहिए हमें लाहौर की हुकूमत। कल वो नारे भी लगते हैं, सरदार अताउल्लाह मेंगल तो खुल के कहता है ठीक है अमेरिका इमदाद दे, इंडिया इमदाद दे, पंजाब से सिर्फ हमारी जान छूटे। लेकिन एक सवाल जब तारीख का मुतालिया करते हुए मैंने देखा कि जब सिंध और पंजाब लड़ते हैं तो हमेशा दोनों ही गुलाम रहते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कल आज हम बरतानिया अमेरिका के गुलाम हैं, वेस्टर्न पावर्स के गुलाम हैं, कल हम ईस्टर्न पावर्स के चाइना और इंडिया के ही गुलाम बन के रह जाएंगे। क्या यही हमारी तकदीर है? क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हमें गुलामी में ही रहना है, वेस्टर्न पावर्स की गुलामी से निकल के ईस्टर्न पावर्स की गुलामी में जाना है? या कोई और तीसरा रास्ता भी है? तीसरा रास्ता है, वो रास्ता देने का दावा जो मुझे मिलता है विशफुल थाट से नहीं मिलता है, सिंधु तहजीब के तारीख के इर्तका के धारे से मिलता है कि हम लोग सिर्फ चाइनीज़ एम्पायर ज़रूरी नहीं है कि इमर्ज हो, सिर्फ इंडियन और रशियन एम्पायर इमर्ज हो ये ज़रूरी नहीं है। हम खुद जो आज बहुत ही मोहताज हैं, अगर कल हम लोगों ने हमारे आबा व अजदाद ने एक डायनामिक इंडस एम्पायर को क्रिएट किया था तो क्या हम इंडस एम्पायर को क्रिएट नहीं कर सकते जो इंडिपेंडेंट हो, जिस पे इंडिया की गुलामी ना हो, अमेरिका की गुलामी ना हो, चाइना की गुलामी ना हो? तो अगर हमें एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में नहीं भटकना है तो हमें अपनी शनाख्त देनी होगी, और वो शनाख्त यही होगी कि हम इंडस पीपल हैं, हम सिंधु वासी हैं, हम सिंधु लोग हैं, और हम आपस में मिल के एक नई इंडस यूनियन को, एक नई ताकतवर आज़ाद खुद मुख्तियार इंडस एम्पायर को, यूरोपीय यूनियन की तरह इंडस यूनियन को जन्म देंगे। यूटोपिया लगेगा आज, आज की पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नामुमकिन लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह फिलॉसफी जब पंजाब पहुंचेगी तो इसके दो पहलू हैं। मैंने तो यह फिलॉसफी क्रिएट की थी एक ह्यूमनिस्ट अल्टरनेटिव के तौर पर, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें दम है इंडस एम्पायर को भी क्रिएट करने का, तो मैंने कहा यह फिलॉसफी जब पंजाब पहुंचेगी, जब वो देखेंगे कि अब पाकिस्तान के बचने की कोई और उम्मीद नहीं है, तो इंडस सागा तो पहले पंजाब से आया है, इस पाकिस्तान की पूरी जो बेस है वो इंडस सिविलाइजेशन पे है, वो तो है, और 80 से जाग पंजाबी जाग का नारा तो नवाज शरीफ ने ही लगाया है। आज अस्करी कुवतों से सिंधी नहीं लड़ रहा, बलोच इतना ताकत लड़ रहा है लेकिन इतनी ताकत उसमें नहीं है, पख्तून में नहीं है। आज जीएसक्यू को चैलेंज कौन कर रहा है? पंजाब को पंजाब चैलेंज कर रहा है। तो पंजाब की भी कल ज़रूरत बनेगी कि क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा में सऊदी अरब भी ख़त्म होना है, जैसे इराकी आर्मी ख़त्म हुई ऐसे पाकिस्तान आर्मी का उन्होंने फैसला कर लिया है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आज हम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में बैठे हैं तो वजूद का ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। हम जब कराची में 80s में आए थे, दाऊद कॉलेज में आए थे, तो सिंधी की आवाज़ सुन के खुश होते थे, अरे ये सिंधी कराची में भी है। आजकल ये पोजिशन नहीं है, और उस वक्त जब हम जीएसएन के आर्टिकल्स जसाफ के लिखते थे तो हम ओपनिंग इस जुमले से करते थे त अज सिंध तारीख के नाजुक दौर में गुजरी रही आ। ही मुझा पैंचा लिखल लफ्जन दाऊद कॉलेज जे पंपलेट जा, और उस वक्त कराची की ये हालत थी
कि कोई भी प्रेस वाला सिंधी का एक पंफलेट चाहे करने के लिए तैयार नहीं होता था। अलग से हमने मलीर में जाके एक छोटी सी प्रेस को हाथ किया था और कसम दी थी कि सिर्फ दो लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होगा। तो साइक्लो स्टाइल पे छापते थे और ये लिखते थे कि आज सिंध तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमने माशाल्लाह इतनी कौमी जदोजहद में कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि ना आज हमारी जबान को खतरा है, ना हमारे देश को खतरा है, ना हमारी तहजीब को खतरा है। बल्कि आज हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आओ मिलके हम सब सिंधवासी बने, हम सब सिंधुवासी बने। तो ये खुद एतमादी है जो पिछले 30 सालों में आई है। और जहाँ जवाल कहाँ पे आया है, जो हुक्मरान थे आज वो हर मीडिया चैनल कह रहा है कि आज पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वो अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंडा क्या है? पाक आर्मी को इराकी आर्मी की तरह ख़त्म होना। क्या नैरो नेशनलिस्ट माइंडसेट से मैं सोचूं, मुझ पर शायद कल तनकीद भी हो जाए, क्योंकि मेरी फिलासफी में दो बड़े खतरा आते हैं। जब मैं पंजाब से इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो वो दोस्त कहते हैं कि आप पंजाब के एजेंट हो गए हो। एक तरफ आप सिंध के कौमी हुकूक की बात करते हो, आप सिंध यूनाइटेड पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में भी हो और नेशनल राइट्स की भी बात करते हो, और फिर पंजाब से दोस्ती की भी बात करते हो। हाकिम के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? तो ये इसमें तजादात हैं, बिल्कुल खतरात हैं। दूसरी तरफ पूरा जो ढांचा खड़ा है दो चीज़ों पे खड़ा है हुक्मरानों का, इस्लाम और पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ ये अभी बाइंडिंग नहीं रहे हैं। आप इन दोनों के नाम पे इस खित्ते की कौमों को यूनाइट नहीं रख सकते। आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इंडस यूनियन में। आपकी आर्मी भी या तो डिसमेंबर होकर ख़त्म हो जाएगी इराकी आर्मी की तरह, अगर उसने खुद को पीस आर्मी में या इंडस आर्मी में तब्दील नहीं किया तो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सोचने के लिए मैंने आपके पास छोड़ी हैं कि एक फिलासफी है, हम तहजीबी शनाख्त को उजागर करें, हम एक हो जाएं, मिलके अपने तजादात जितने भी हैं, सिंधी मुहाजिर तजाद है उसके लिए एक अलग सेशन हो, सिंध पंजाब तजादात हैं उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स के अलग सेशन हो, बलोच पंजाब तजादात हैं, पख्तून पंजाब तजादात हैं, हम इनको बैठ के पीसफुल डायलाग के ज़रिए रिजॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम नैरो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। ये उसकी ओपनिंग है। ये सेशन भी इस वजह से है कि जितने भी दानिश्वर लोग हैं वो उन पे अपना नुक्ता नज़र पेश करें। थैंक यू। मैंने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमसे कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ तो ये आसान, बहुत आसान सवाल लगता है। आज अगर कोई पूछे तो मैं कौन हूँ तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। आवर नेक्स्ट स्पीकर इज इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मिस्टर सलाउद्दीन अहमद। ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड एन एक्टिव लीडर ऑफ द बार। He is very well recognized for taking up issues of the national interest, the latest of these being his challenge to the President's reference concerning the Senate elections being heard by the Supreme Court. Please join us in welcoming Mr. Salahuddin Ahmed. Bahut bahut shukriya. मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि आज इस सिंधुवास की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे मद्दु किया गया है। ख़ास तौर पे एजाज़ की बात ये है क्योंकि इतने माशाल्लाह यहाँ दानिश्वर मौजूद हैं जो दरियाए सिंध की हिस्ट्री, उसकी जो साहिल पे रहने वाले लोग हैं उनकी सकाफ़त, उनकी तारीख़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुझे सच्ची बात है इतनी ना मैं कोई, यहाँ अनीस हारून साहिबा भी बैठी हैं, ना मैं कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री का कोई एकेडमिक हूँ,
मुझे तो मगर खुशी बहुत इस बात की ये है कि जब भी कोई आपको किसी दावत कोई दावत देता है किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे आपको थोड़ा बहुत अभूर हो, तो वो तो बड़ा आसान होता है, आप जाके अपनी रटी हुई तकरीर कर देते हैं। जब कोई ऐसा इशू हो जिसके बारे में आपने ज़्यादा सोचा ना हो, तो आप फिर सोचने पे मजबूर होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड हेयर टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। जो इंडस, द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडस, एज फार एज द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडस पीपल इज कंसर्न, नाउ द फर्स्ट थिंग आई डिड जब मुझे कहा गया कि इस पे आपने कुछ लफ्ज कहने हैं, तो मैंने ऐसी इंडस रिवर की तारीख ज़रा देखना शुरू की। अब नेचुरली हम रहते तो इसी खत्ते में हैं, मगर उस पर एक्चुअली प्रॉपरली स्टडी नहीं करते। और पहला जो आपको स्टेप है, नेचुरली आप शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब मेरे लिए कम से कम ये एक रेवलेशन थी, क्योंकि हम स्कूल में तो सिर्फ मोहनजोदड़ो और हरप्पा का सुनते थे, मगर इट वाज अ रेवलेशन फॉर मी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्टर्न बलूचिस्तान से शुरू होती थी, एंड इट यूज़ टू एक्सटेंड ऑल द वे अप टू अभी तक उनके उन्होंने साइट्स एक्सकवेट की हैं आलमगीरपुर में, विच इज़ ओनली 20 miles फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो जो ट्रेडिशनल हम रिवर इंडस को सोचते हैं, उसके ज़्यादा बहुत वसी फैली हुई थी इंडस सिविलाइजेशन, बिकॉज ना सिर्फ इंडस रिवर, मेन इंडस रिवर के बैंक्स पे ये सिविलाइजेशन थी, बल्कि उसकी जो तमाम ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, चनाब, सतलज, ब्यास, जेलम, इन सब की, और ये फिर ईस्ट निकलती हैं सतलज और ब्यास एटलीस्ट, तो उनके भी बैंक्स पे ये सिविलाइजेशन मौजूद थी, उनके साइट्स मौजूद थी। और सरस्वती का जो कि आजकल ऑब्वियसली एक बड़ी डिस्प्यूट है कि सरस्वती एक्चुअली कौन सा, लोग कहते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट कहते हैं ये था वो था, आजकल जो जो साइंटिफिक कंसेंसस तो नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु से कि ये घग्गड़ हाकरा जो सीजनल रिवर है, ये आज से 3-4 हज़ार साल पहले ये सीजनल नहीं था बल्कि एक पेरिनियल रिवर था, तो इसकी बैंक्स पे। नाउ व्हेन यू गो अप दीज ईस्टर्न रिवर्स, तो फिर आप जाके एक्चुअली मेन वो जो इंडस की और उसकी ट्रिब्यूटरीज की फ्लड प्लेन है, वो जाके डायरेक्टली फिर जमुना की फ्लड प्लेन के साथ वो मिल जाती है। द एक्चुअल डिस्टेंसेज इन माइल्स इज ओनली अबाउट 40-50 miles, और वो जमुना की जो फ्लड प्लेन है, नेचुरली दिल्ली इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द जमुना फ्लड प्लेन, पंजाब का भी हिस्सा रहा है बट पार्ट ऑफ द जमुना फ्लड प्लेन, और फिर वो जमुना फ्लड प्लेन फिर आगे जाके गंगा फ्लड प्लेन में जाके मर्ज हो जाती है। तो इट्स रियली डिफिकल्ट एक्चुअली, मैं तो, एंड बिकॉज आई हैव सो लिमिटेड नॉलेज, और मैं इसलिए बड़ा एक्साइटेड था कि मैं यहाँ आके औरों को सुनूंगा, आई एम गोइंग टू स्पीक लिटिल, क्योंकि मैं यहाँ बेसिकली सुनने आया हूँ, बट आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडस पीपल, सो वेयर डज द इंडस स्टॉप। हम ऊपर यू नो एक गिलगित वगैरह, बल्तिस्तान वगैरह उस वहाँ तो जाते हैं, मगर जब हम ईस्ट निकलते हैं वेस्ट को, काबुल रिवर पे, नेचुरली वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर इज द काबुल रिवर, वो बिल्कुल आप वहाँ तक जाते हैं वेस्ट में, ईस्ट में आप बिल्कुल जाके मर्ज कर जाते हैं गंगा जमुना फ्लड प्लेन्स के साथ। तो वेयर डज द इंडस या सरस्वती सिविलाइजेशन, वेयर डज इट स्टॉप, वेयर डज इट एंड? आई थिंक दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू पॉन्डर अबाउट। आई डोंट थिंक ऑल द आंसर्स आर क्लियर एज येट। दूसरा एक मैं बस एक जनरल पॉइंट है, विच इज नेचुरली ये जब हम इंडस पीपल्स की बात करते हैं, तो द एफर्ट इज टू ट्राई एंड फाइंड सम काइंड ऑफ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी।
अब एक इजरायली ऑथर हैं युवाल हरारी, उन्होंने बड़ी दो एक इंटरेस्टिंग किताबें लिखी हैं। उसमें एक वो आइडिया एक प्रपोज करते हैं, सेपियंस उनकी किताब है, उसमें प्रपोज करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स यूनिक इसलिए हैं, सारी नेचुरल किंगडम में यूनिक इसलिए हैं कि दे हैव अ केपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट लार्ज सोसाइटीज बेस्ड ऑन ए शेयर्ड बिलीफ। तो बाकी एनिमल किंगडम में भी सोसाइटीज होती हैं, बट इट इज़ दे आर आइदर हार्ड वायर्ड, जैसे चूंटियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ हैं वगैरह, बड़ी कम्प्लेक्स लाखों करोड़ों की सोसाइटियाँ होती हैं उनकी, मगर दे आर हार्ड वायर्ड इन देयर जीन्स। हमारी हार्ड वायरिंग नहीं है, हम एक्चुअली हम कि कोई एक कॉमन बिलीफ बनाते हैं या रखते हैं और उसकी बुनियाद पे फिर हम एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। अब वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, मज़हब पे बेशुमार सोसाइटीज़ कायम हुई हैं, आज भी चल रही हैं, नेचुरली एथनिसिटी पे या नेशनलिज्म पे भी सोसाइटीज़ आज भी हैं, चल रही हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, कम्युनिज्म की बात हुई, कम्युनिज्म पे सोसाइटीज़ बनी हैं, बड़ा अरसा चली हैं, कैपिटलिज्म पे, वन शेयर्ड बिलीफ कुड बी द लव फॉर द US डॉलर, तो उस पर भी सोसाइटीज़ बनी हैं, बड़ी अच्छी चली हैं। अच्छी बुरी चीज़ें तो हर सोसाइटी में होती हैं, बट इफ़ the effort is to find some kind of shared identity jis pe hum sab ek muttafiq ho jaye aur unity qaim kar sake, wo ek bada difficult process hai, because naturally when you try and find a shared identity, chahe wo ek geographical feature pe hi linked ho, ya ek aap agar kahein ki hamari ek tareekh hai ya ek joint hamara culture hai, नेचुरली उसमें डिबेट्स, इंटरनल डिबेट्स भी होती हैं और एक्सटर्नल डिबेट्स भी होती हैं। वन थिंग फॉर एग्जांपल, कल रात मेरी बात हो रही थी इसी इशू पे। नाउ इंडस सर्टनली, अगर आप, मैं गूगल मैप्स पे देखा, अगर आप वो सैटेलाइट व्यू करें ना गूगल मैप्स पे, लुकिंग एट पाकिस्तान इज़ फैसिनेटिंग, क्योंकि जितने भी शहर हैं, मैं एक्चुअली जा रहा था, प्लान मेरा था नॉर्दर्न एरियाज जाने का, तो मैंने कहा रोड से जाएंगे, तो गूगल मैप पे मैं देख रहा था, इट्स फैसिनेटिंग, पाकिस्तान के सारे जो शहर हैं, 90% जो शहर हैं वो इंडस फ्लड प्लेन पे, और आप ऊपर से देखते हैं एक वो हरियाली पट्टी है जिसमें सारे शहर हैं आपके, सारे मेजर शहर हैं, और फिर बाकी बेसिकली सहरा है, यू नो, चाहे बलूचिस्तान को देखें या सिंध को देखें या पंजाब को भी देखें, सिर्फ एक वो जहां आपने कनाल वनाल निकाल लिए वो अलग बात है, बट इट्स बेसिकली द इंडस प्लेन, वहीं आपकी सारी आबादी भी है, सब कुछ है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट ऑल्सो। बेशक आप पिशावर वगैरह चले जाएं, वो काबुल रिवर वाली ग्रीन पट्टी है एक्सेट्रा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड बलूचिस्तान इज एन एक्सेप्शन जहाँ इंडस की ट्रिब्यूटरीज कोई नहीं है, और कराची इज़ एन एक्सेप्शन, लियारी नदी और मलीर नदी का इंडस से बाकायदा कोई लिंकेज नहीं है। मैं समझता हूं शायद आने वाले दिनों में हम जिस तरह, यू नो, आपने देखा है आपकी तारीख में मजहब पे बड़े एम्पायर्स भी बने हैं, स्टेट्स भी रही हैं, इवेंचुअली एक सोच ये आई कि ठीक है मजहब रखना अच्छी बात है, मजहब ये आपका ईमान, आपकी अपनी, आपका अपना मसला है, मगर दिस इज नॉट अ नेसेसरी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बिहाइंड विच टू फॉर्म अ स्टेट। यू कैन डू विदाउट इट, यू कैन हैव योर बिलीफ्स विदाउट मेकिंग इट एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ योर स्टेट। आई थिंक परहैप्स अब वक्त ये भी आ गया है कि हम इवन इन नेशनलिस्ट या कल्चरल व्यूज को भी, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स विदाउट दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल, कि नहीं, हमारी एक, जब तक हम अपनी एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे तब तक हमारी रियासत चल ही नहीं सकती। क्योंकि आई थिंक अब 21वीं सदी में हम आ गए हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू बिल्ड
states around a principle of basic, भाई ठीक है अब हम इस खत्ते में अब हम साथ हैं, हो सकता है मैं आपकी जुबान नहीं बोलता, आप मेरी जुबान नहीं बोलते, हो सकता है आप किसी दरिया पे रहते हैं, मैं किसी दरिया पे रहता हूँ, हमारी सकाफत भी अलग अलग है, मगर किसी हिस्टोरिकल एक्सीडेंट से हम एक रियासत का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम एक दूसरे की ह्यूमैनिटी, हम एक दूसरे की इम्पोर्टेंस हम एक्सेप्ट करें, आप मेरी करें मैं आपकी करें, और एक शेयर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी पे अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए हम आगे अपने स्टेट को ऑर्गेनाइज करें। आई थिंक दीज आर ऑल्सो इशूज दैट नीड टू बी थॉट अबाउट। आई मीन आई स्टार्टेड आउट बाई सेइंग कि बिकॉज आई डोंट नो मच हिस्ट्री, मैं एक वकील हूँ, हमारा तो कारपेंटरों वाला काम होता है बेसिकली, सिर्फ ये है कि हथौड़ी के बजाय हम पीएलडी इस्तेमाल करते हैं, बट दीज आर इश्यूज दैट आई थिंक परहैप्स एकेडेमिक्स नीड टू टॉक अबाउट। एंड यहाँ जो दानिश्वर बैठे हैं, मैं उनके इस सब्जेक्ट पे उनके व्यूज सुनने के लिए बेताब हूँ। शुक्रिया।